रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पढ़ेगा मुमरा तो बढ़ेगा मुमरा, खेलेगा मुमरा तो बढ़ेगा मुमरा। तो कैसे आज उसकी कुछ बानगी, उसकी कुछ झलक बुमरा कौसा की झांकियां। अगर हर माँ बाप अफीफा के माँ बाप की तरह हो, हर खिलाड़ी अनस की तरह हो और कोच के तौर पर हर कोई सोहेल खान, शोएब इंदानी, सलीम खान ऐसे कोच हो, तो मुमरा कौसा के बच्चों की कामयाबी को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आज उसकी मिसाल है, हमारे सामने ये बच्ची है अफीफा और ये नौजवान है अनस। दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी में जो है एक कामयाबी हासिल की है, मुमरा कौसा का नाम रोशन किया है। अफीफा मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल प्लेयर के तौर पर जो सिलेक्ट की गई है, और आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा सिलेक्शन है कि ये सिलेक्शन अफीफा को किसी भी सरकारी महकमे में नौकरी दिला सकता है। और उसी के साथ अनस है, अनस ने मुलुंड में एक नेशनल लेवल का एमएमए का चैंपियनशिप रखा गया था, उसको इन्होंने क्रैक किया है। आप देख सकते हैं अनस ने ये एमएमए चैंपियनशिप का बेल्ट हासिल किया है, ठीक है। और इनके साथ हैं उनके कोच है सोहेल खान। तो सबसे पहले हम अफीफा से बात करेंगे। अफीफा, क्या बताना चाहोगी ये जो कामयाबी मिली है? मैं जाती तौर पर तुमको पिछले लगभग 4 या 5 साल से फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ। कभी तुम कौसा स्टेडियम, कभी डीएमसी स्कूल के मैदान में, कभी एसके के शब्बीर खान जो है उनके अब्दुल्ला वाले मैदान में, तो अक्सर तुमको मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा हूँ बेटा। तो माँ बाप का भी फुल सपोर्ट रहा है तुमको, और आज जो है नगर सेवक जफर नोमानी है, युवा हमारी बेटी है हमारी, और आज जो है समाज सेवा में आज आगे चल रही है नेहा है हमारी, तो ये ऐसे लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगी अपनी इस कामयाबी पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, देन कोचेस का सपोर्ट मिला। बिकॉज हम लोग ऐसे कम्युनिटी से है कि लड़कियां डरती है अपने आप को शो करने के लिए, बट मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे कोचेस मिले जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया है टू यू नो फॉलो माई ड्रीम्स एंड टू पार्टिसिपेट एंड टू प्रैक्टिस। बिकॉज यूजुअली मैं भी जब लड़कियों से बात करती हूँ तो दे आर लाइक पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, या हमें अच्छा नहीं लगता है, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। बट अगर ऐसा सपोर्ट मिले तो आई गेस कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है इफ शी वॉन्ट्स टू डू। आप अफीफा की वालदा है, मम्मी है, क्या कहना चाहेंगी बेटी की कामयाबी पर? मैं तो बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और आज ये सब देख के तो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है। शोएब और सलीम सर, स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे इस कामयाबी को लेकर? अफीफा इज लिविंग हर ड्रीम्स नाउ। अफीफा अपने सपने को साकार कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड उसका जो हार्डवर्क है ना, आज जो सक्सेस में तब्दील हुआ है, उसका हार्डवर्क किसी ने, उसका फेलियर किसी ने देखा नहीं। सो ऑल द बेस्ट टू हर एंड कीप वर्किंग हार्ड। अफीफा की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूँगा हमारे मुस्लिम पेरेंट्स को, बेशक हमको पर्दे में रहना है लेकिन दुनिया के साथ में भी चलना है। आज जो मुस्लिम लड़कियाँ पीछे रह जा रही है पढ़ने में या स्पोर्ट्स में, सिर्फ हमारे तुम्हारे उल्टे सीधे कॉमेंट्स की वजह से, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ग्राउंड की तरफ भेजे ताकि वो गंदे माहौल से बच सके, और जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह वो खेले और अपना, अपने मुल्क का नाम, अपनी कौम का नाम ऊंचा करे। पर्दा करते हुए लड़कियां मैदान में उतर सकती है, उतर सकती है, इसकी कई मिसालें हैं, कई मिसाल, कई बड़े बड़े मुल्कों ने जो है इसको साबित भी किया है ना, और उसी को आप चाहते हैं कि मुमरा कौसा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम आबादी के लोग आगे बढ़ाए। आगे हम बात करेंगे एमएमए में चैंपियनशिप जीतने वाले अनस से। अनस, किस तरीके से कामयाबी हासिल की है? पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ, ये मेरे कोचेस और मेरे मॉम डैड मेरे को जो इतना सपोर्ट किए, पूरा मतलब ऑलमोस्ट मेरा सपोर्ट मेरे घर से मेरे को मिला है, और मेरे को ये नेशनल लेवल पे जीतकर इतनी खुशी हो रही है कि ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे को मेरे कोच के लिए हो रही है। मेरे कोच ने हम सब पे और हमारी टीम पे इतनी मेहनत की है, वो हमेशा दिन रात वो बैचेस लेते हैं हमारे लिए, हमें एकदम मोटिवेट करते हैं, हमें एकदम हमेशा पुश करते रहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी
ठीक है, कैरियर ओके ठीक है। सोहेल खान आप कोच हैं अनस के, और जिस तरीके से वो आपके लिए खुश हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कामयाबी के पीछे आपका एक बहुत बड़ा रोल है, और अक्सर कोच का होता ही है। क्या कहेंगे अनस की कामयाबी पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि ये 18 साल की उम्र में ये चीज़ हासिल करने को, क्योंकि 12 स्टेट्स के वहाँ पर लोग आए थे, ठीक है, 12 स्टेट्स के वहाँ पर पार्टिसिपेंट आए थे, 102 एथलीट, उसमें से अनस ने अपनी कैटेगरी में चैंपियनशिप मानना हम लोग के लिए एक ड्रीम था। हम लोग एक साल से उस पर वर्क कर रहे थे और हम लोग का ड्रीम अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल हुआ, और जफर नोमानी सर ने हम लोग को वो लीडरशिप बन के आ गया है, और हम लोग को ये चीज़ के लिए फेलिसिटेट किए। तो हम लोग इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे और आगे कामयाब करेंगे, इसको इंटरनेशनल लेवल पे, एशियन गेम्स या ओलंपिक लेवल पे लेके आए, जैसे लीडर्स लोग आ गए हम लोग को सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। जफर भाई, सोहेल खान साहब कोच हैं, और अफीफा उसके वालिदैन, उनके कोच तमाम जो है आपको उनके फेलिसिटेशन के लिए जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये फेलिसिटेशन करके आपने इनके हौसला अफजाई की है, क्या मुमरा कौसा के तमाम पेरेंट्स से जो अफीफा के वालिद ने, उनके डैड ने जो है एक लोगों को अपील की है, एक मैसेज किया है, तो आप भी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जो बच्ची है अफीफा, ये मुमरा की लड़कियों के लिए रोल मॉडल साबित होगी इंशाल्लाह। ये तमाम लोग को इससे सीख मिलेगी कि हम हमारी बच्चियों को, जो घर में हम सोचते हैं कि हमारी बच्चियाँ ठीक है तालीम हासिल कर रही हैं और घरों में रहती हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में भी जाकर के अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकती है, और ये बच्चे के लिए भी स्कार पहन करके भी रनिंग हो सकती है, ट्रैक स्कार पहन करके भी फुटबॉल खेला जा सकता है, वॉलीबॉल खेला जा सकता है, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, पर्दे में रहते हुए भी सारी चीजें की जाती है। सारी चीजें का जो नियत है सारा दारोमदार वो खुद पर डिपेंड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने ये साबित करके बताया है, मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मुमरा देखिए रफीक भाई, मैं अक्सर देखता हूँ कि छोटे 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 मैच होते रहते हैं, लेकिन मेरा एक, मैं सिर्फ हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये बच्ची, आज ये बच्ची एक लेवल पे पहुँच गई है और ये बच्चा एक लेवल पे पहुँच गया है। तो अब जो हम लोग जो पैसा हम लोग छोटे छोटे मैचों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी ये राय ये है कि वो पैसा अगर हम इन बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये और आगे तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मेरा ये मानना है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि रफीक भाई, मैंने एक स्लोगन देखा था अभी प्रियंका गांधी का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये अफीफा ने ये साबित कर दिया कि लड़की हूँ अरे बच्चा जो है, बच्चा मुमरा के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जो हमारी नौजवान नस्ल आज नशे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये बच्चे ने ये साबित कर दिया कि स्पोर्ट्स के जरिए हम नशे को छुड़ा सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं, और अपने शहर और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। नेहा क्या कहना चाहूँगा? मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगी सारे बच्चों को और कोचेस को, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे हमें माँ बाप परवरिश पैदा करते हैं, पैदा करने से छोटे से बड़ा करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी तरह ये जो मेंटर्स है, ये कोचेस है, ये हमें हमारे भविष्य में आगे तरक्की के मोड़ पर ले जाने के लिए इनका भी उतना ही आदर, उनका उतना ही सपोर्ट होता है। तो ये दूसरे पेरेंट्स कहलाते हैं। तो और इसी तरह मुझे खुशी है कि हमारे मुमरा शहर के बच्चे इतने तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबी की ओर जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स बहुत कॉमन है, एक बहुत ही अच्छा वो क्रूशल रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। स्पोर्ट्स फिजिकल मेंटल ना स्ट्रेस दूर करता है, और बहुत खुशी की बात है कि ना बच्चे हमारे मुमरा शहर के स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, माँ बाप इस चीज़ को समझ रहे हैं। और मैं खासकर उन माँ बाप के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना ज़रूरी है। ब्रॉड माइंडेड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेटी को इतना ब्रॉड कर दें। ब्रॉड माइंडेड का मतलब जैसे इन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, खासकर अफीफा के माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया, और मे भी अफीफा जब खेलती होगी ग्राउंड पर रफीक चाचू, तो लोग कमेंट्स करते होंगे, बट उन्होंने उस कमेंट्स की परवाह ना करते हुए अपनी बच्ची के एम्बिशन को इम्पोर्टेंस दी। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची कुछ करना चाहती है उस पर सपोर्ट बने। समाज का काम है बोलना, लेकिन अगर आप समाज के बोलने पर चलोगे और उस पर अमल करोगे तो आपके बच्चे का भविष्य आगे नहीं सिक्योर हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह आप लोग प्लीज अनस एंड एवरीवन इसी तरह हार्डवर्क करें, और इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।